जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकू क्राफ्टिंग एंड ज्वेलरी। तो आज हम बनाने वाले हैं सीड बीड्स के ब्रेसलेट, जो कि आपने थंबनेल में देख लिए होंगे। और ये मैंने जो लास्ट वीडियो में इयररिंग बनाए थे फ्लावर वाले, वो मैंने पहन रखे हैं सीड बीड्स के। एंड तो अब हम थंबनेल वाले ब्रेसलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलो ब्रेसलेट बनाना स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो हम ये वाला ब्रेसलेट फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे, जो कि येलो एंड ग्रीन बीड्स की हेल्प से बनाया है मैंने। इसमें मैं फ्लावर्स बनाऊंगी। तो ये मैंने फर्स्ट ग्रीन कलर का फ्लावर बनाया, अगेन मैं ग्रीन कलर का फ्लावर बनाऊंगी, इसलिए मैं मिड में येलो कलर का बीड इंसर्ट कर रही हूँ। एंड अब हम ग्रीन कलर का फ्लावर बनाएंगे। तो इसमें मैंने बीच में ग्रीन कलर को इंसर्ट कर दिया दोनों साइड से, और अब मैं इसमें दो दो बीड्स को ग्रीन वालों को इंसर्ट करके एक येलो बीड को अंदर से निकालूंगी। तो उसमें अब मैं दोनों थ्रेड को अपोजिट साइड से वापस निकालूंगी। तो हमारे फ्लावर की आधी शेप रेडी हो जाएगी। एकदम इजी प्रोसेस है, आप भी ट्राई कर सकते हो। फिर मैं इसमें से दोनों साइड से मैंने निकालने के बाद हमारा आधा फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब इस साइड से थोड़ा सा निकालना होगा मैं इसे, जो हमारा वायर है उसको, इलास्टिक वायर को जैसे। और ये निकालने के बाद में हमें ग्रीन बीट इंसर्ट कर देंगे तो हमारा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। फिर मैंने येलो कलर का फ्लावर सेम प्रोसेस से बनाया, उसमें ग्रीन कलर का बीट इंसर्ट किया मिड में। फिर हम अगेन यही प्रोसेस रिपीट करके हम एक और येलो कलर का फ्लावर बना लेंगे, फिर दो अगेन ग्रीन कलर के फ्लावर बनाएंगे। इसी प्रोसेस से हम पूरा हमारा ब्रेसलेट बना के रेडी कर लेंगे। ब्रेसलेट में लास्ट में मैं एक चार्म ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने ग्रीन कलर का इंसर्ट किया चेन की हेल्प से, और दूसरी साइड में मैं लूप लगा दूंगी। तो हमारा ब्रेसलेट बनके रेडी है। तो अब हम ये वाला ब्रेसलेट बनाएंगे, जो कि हमारा सेकंड ब्रेसलेट है, जिसे हम पाँव में भी पहन सकते हैं और हाथ में भी पहन सकते हैं। तो चलो इसे भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने व्हाइट एंड ब्लैक कलर की सीड बीड्स को लिया है, और फिर मैंने समथिंग 10 सीड बीड्स को इंसर्ट किया है ब्लैक कलर के। तो जंप रिंग लगा के मैंने इसमें वायर में अटैच कर दिया। फिर मैं एक फ्लावर बनाऊंगी सेम प्रोसेस से, जो कि मैंने लास्ट वाली ब्रेसलेट में बनाया था, उसी प्रोसेस से मैं मिड में एक फ्लावर बनाऊंगी, जिसमें मैंने मिड में ब्लैक कलर का बीट इंसर्ट किया है। फिर अगेन मैं 10 बीड्स को ब्लैक वालों को बीट्स को इंसर्ट कर दूंगी। इसी सेम प्रोसेस से हम हमारा पूरा फ्लावर रेडी करेंगे। तो मैं आपको अगेन दिखा रही हूँ फ्लावर बनाने की प्रोसेस, जिसमें हम एकदम ईजी वे से पूरा फ्लावर बना के रेडी कर सकते हैं। आधी प्रोसेस है, और उसके बाद में हम एक व्हाइट बीट को और इंसर्ट कर देंगे दोनों साइड से, तो हमारा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसी प्रोसेस में हम हमारा पूरा ब्रेसलेट बना के रेडी कर लेंगे। इसे हम एंकलेट के जैसे भी पहन सकते हैं, या फिर हम इसे ब्रेसलेट के जैसे भी पहन सकते हैं, और एंड में ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो आप देखिए कंटिन्यू प्रोसेस। फर्स्ट ब्रेसलेट मैंने बनाया येलो एंड ग्रीन कलर का, जो कि ये रहा, आप देख सकते हो येलो एंड ग्रीन का मिक्सचर है। उसमें फ्लावर डिजाइन बनाई है मैंने, बहुत प्यारा लगे, आप पहन के देख सकते हो, एकदम बारीक बारीक और भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। ये देखिए मेरी इयररिंग्स पे भी मैचिंग कर रहा है ये। एंड नेक्स्ट हमने बनाया है ब्लैक एंड व्हाइट बीड्स की हेल्प से, जिसे आप पाँव में भी पहन सकते हो और हाथ में भी पहन सकते हो। ये देख सकते हो कितना प्यारा है, और इसमें मैंने बीच बीच में कुछ व्हाइट फ्लावर्स बनाए हैं एंड ब्लैक बीड्स को इंसर्ट किया है। तो इन दोनों की प्रोसेस आपने देख ली है। ऐसे DIY आइडिया आप भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप भी बना के ट्राई कर सकते हो ये, और मुझे कमेंट करके बताना कैसे।
तो अगर आपको मेरी ये DIY ब्रेसलेट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि कैसे लगे, और आप भी बना के ट्राई करो ऐसे DIY आइडियाज़। और ऐसे DIY आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी मेरे वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएँ। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट DIY आइडिया के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हेल्दी रहिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।